हेलो गाइस, तो आज हम DIY स्टाइलस बनाना सीखेंगे। मेरे पास ये है मेटल पेन, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आज मैं स्टाइलस बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको ऐसा पेन लगेगा जिसकी बॉडी मेटल की हो। आप प्लास्टिक पेन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके हाथ की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो स्क्रीन पर नहीं जाएंगी। तो आपको चाहिए एक मेटल पेन, कॉटन टेप, एक सेफ्टी पिन, कैंची और पानी। तो सबसे पहले आपको लेना है मेटल पेन। मेटल पेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्टाइलस होता है वो हमारे हाथ की इलेक्ट्रिसिटी को स्क्रीन तक लेकर जाता है, जिससे स्क्रीन काम करता है स्टाइलस की मदद से। अगर इसके अंदर रिफ़िल है तो आपको रिफ़िल को ऐसे ही रखना है, उसको बस आप अंदर डाल दें। मेरे पास जो पेन है वो घूम कर रिफ़िल अंदर चली जाती है। रिफ़िल एक सपोर्टिव काम करेगा हमारे कॉटन के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा, और उसको अभी राउंड करके थोड़ा सा दबा के नुकीला करना है, ताकि वो हमारे स्टाइलस के अंदर जा सके। अभी मैं इसके एक एंड को थोड़ा सा पतला करके स्टाइलस के अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। और आपका जो सेफ्टी पिन है यहाँ पर काम आएगा। अभी आपको सेफ्टी पिन की नोक से उसको अंदर डालना है, किनारे किनारे से, ताकि वो अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाए और बाद में निकले ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन के रेडी है, लेकिन हमें जो ये एक्सेस पार्ट है इसको काट कर निकालना है, जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा ट्रिम करने की ज़रूरत है तो इसको ट्रिम कर दीजिएगा। स्टाइलस तो रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप आपके स्टाइलस का यूज़ कर सकते हैं। उसको बस पानी में डिप करना है, ज़्यादा मत डिप करिएगा, हल्का हल्का सा गीला करना है ताकि वो करंट पास कर सके। मैं इसे इसी स्टेज पर यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे और मज़बूत बनाऊँगी। कहीं हमारे पेन के एजेस हमारे स्क्रीन पर ना लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पर कॉटन ले रही हूँ, और इसको आपको फ्लैट करना है और आसपास का जितना भी कॉटन बचा है उसको काट देना है। अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे, जितना आसपास का आपको कॉटन दिखता है आपको उसको आसपास लपेट देना है टिप के, और इसको टेप से सिक्योर कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगा कि जो पेन के एजेस है, क्योंकि मेटल पेन है तो कहीं आपके फ़ोन की स्क्रीन पे स्क्रैचेस ना आ जाए। तो ये देखिए, ये परफेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको एक बार वापस से गीला करेंगे ताकि अच्छे से काम कर सके। अगर आप डिजिटल आर्ट वर्क करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके पास स्टाइलस नहीं है, तो आप खुद का एक स्टाइलस इस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर मेरा एक आर्टवर्क है जो मैंने एक आई ड्रॉ की थी इसी स्टाइलस से। मैंने कोई दूसरा स्टाइलस यूज़ नहीं किया है और ये बहुत परफेक्टली काम करता है। यहाँ पर देखिए, मेरा दूसरा भी एक प्रैक्टिस वर्क है। मैंने एक एनिमे बॉय बनाया था और इसके यहाँ पर मैं शेडोज़ दे रही हूँ। आप देख सकती हैं कितना स्मूथली काम करता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आप ख़रीद नहीं सकते हैं कोई स्टाइलस, तो आपने ज़रूर इसे यूज़ करना चाहिए। आपको ये बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको जिसको भी लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।